हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों देख लेते हैं ये वैकेंसी किस प्रकार की है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो वैकेंसी है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो पोस्टिंग रहेगी मध्य प्रदेश में रहेगी। तो मध्य प्रदेश में BEL का जो ऑफिस है तो उससे रिलेवेंट आपकी जो पोस्ट रहेगी मध्य प्रदेश के किसी भी लोकेशन में रह सकती है। तो मेनली देख लेते हैं किस प्रकार की ये पोस्ट रहेंगी। तो इस पोस्ट में जो पहले से डिसाइडेड हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट करना है और टर्म्स कितनी रहेगी, 2 साल के लिए आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसे बाद में एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा 4 ईयर्स के लिए। तो ये देख लीजिए आप, इसमें 5 वैकेंसी जनरल की, 1 EWS कैंडिडेट के लिए है, OBC की 3, SC की 2 और 1 ST के लिए वैकेंसी निकाली गई। वहीं देख लेते हैं इसमें अपर एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी कैंडिडेट्स को दिया गया, ठीक है। टर्म्स क्या रहेंगी, कंडीशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2 साल के लिए जैसा कि मेंशन इसमें किया गया, ठीक है। कैंडिडेट को जो रीएनम्बरेशन मिलेगा प्राइमरी वो 35,000 पर मंथ दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए 40,000, फिर थर्ड ईयर यदि आपका एक्सटेंशन होता है तो 45 और फिर 50,000। तो 4 साल के लिए भी आपको इसको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके बारे में देख लीजिए। क्वालिफिकेशन में BE BTech रहेगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रिलेवेंट जो फील्ड दिए हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। वहीं इसमें कम्युनिकेशन EC, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। वहीं देख लेते हैं इसमें और क्या क्या जो है कंडीशन उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सबसे मेन रहेगा, इससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके लिए मांगा गया है। तो एक कंडीशन ये है कि जो भी समझते हैं कि टीचिंग का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी रहेगी, ठीक है। तो किस किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस मान्य रहेगा, IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, IP नेटवर्क में, डाटा सेंटर प्रोजेक्ट, इस प्रकार से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें लिया जाएगा। जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। आपको 3 रेशनल शिफ्ट्स में भी वर्क करना पड़ता है, करना पड़ सकता है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देख लीजिए किस प्रकार का सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर में लिए आपको BE BTech के जो मार्क्स रहेंगे उसका 75%, 10% आपका क्वालिफिकेशन के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो मायने रखा जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका 15% इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे। तो प्योरली जो सिलेक्शन है BE BTech के मार्क्स और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपकी एक जो शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट जो रहेगी उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो 1:1 में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या तारीख है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन तारीख 21 अप्रैल से ही प्रारंभ हो चुकी है और 5 मई तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, BEL की साइट से आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट किस प्रकार से सबमिट किए जाएंगे तो ये याद रख लीजिए। और साथ में मैं बता दूं कि यदि आप एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस में इसमें मैंडेटरी रहेगा कि आप उस अपनी जो पे स्लिप है वो ज़रूर इसमें मेंशन कर दें, नहीं तो आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो मान्य नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की जो भी सावधानियाँ हैं वो ज़रूर रखिए, ठीक है। जैसा कि फ़ीस के बारे में देख लीजिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो फ़ीस है वो 500 रुपये डिसाइड की गई है। ऑनलाइन मोड रहेगा आपका फ़ीस का। इसके साथ ही सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं 2 लाख रुपये का बीमा कराना पड़ेगा उनको, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको सबमिट भी कराना है, ठीक है। 10,000 रुपये आपको पर ईयर दिए जाएंगे अन एक्सपेंसेस के लिए, ये भी इसमें मेंशन किया गया, ठीक है। जो भी राइट्स हैं वो बेल के रहेंगे, सिलेक्शन किस प्रकार से करना है, नहीं करना है, एक्सटेंड करना है, ETC सब उसके हाथों में रहेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट आपको करना कहाँ से है, यदि कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो आप यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इससे आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। तो आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, BEL की साइट पर जाइए, वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार की और भी वैकेंसियाँ आती हैं तो मैं आपको सूचित करता रहूँगा आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।